Hello, my dear students. Today we are going to discuss about one of the disorder which is caused due to hypothyroidism, and this disorder is called as cretinism. And this disorder basically occurs in children when thyroid secretion is less from childhood. Basically occurs in children when thyroid secretion from childhood is less. दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि जो क्रेटिनिज्म है यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. इट विल लीड टू डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म का मतलब हाइट कम हो जाएगी, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा होगा, विद सीरियस मेंटल रिटार्डेशन. और यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन भी होगी. एंड द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्रेटिन्स. ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलते हैं क्रेटिन्स. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो चाइल्ड यहाँ पे रिड्यूस्ड बॉडी ग्रोथ होगी. चाइल्ड की रिड्यूस्ड बॉडी ग्रोथ. With peculiar infantile expression, and cretin or dwarf individuals of age 14 to 15 years, ये जो cretin individual जिनको हम लोग dwarf बोल रहे हैं, cretin जो होंगे 14-15 age group के होंगे, so retarded and he cannot feed himself, means child cannot feed himself. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन होंगे, जो चाइल्ड होंगे, इनकी जो बैली है वो पॉट शेप्ड हो जाएगी, पिजन शेप्ड चेस्ट हो जाएगा, एंड प्रोट्रूडिंग टंग. टंग प्रोट्रूडिंग होंगी. बैली पॉट शेप्ड हो जाएगी, पॉट बैली, एंड चेस्ट इज पिजन शेप्ड. नेक्स्ट बात अगर स्टूडेंट्स हम लोग करें तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट रेट है, जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट का रेट, हार्ट बीट रेट लिख लेते हैं, एंड जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये नॉर्मली लो रहता है, बिलो नॉर्मल. एंड इट कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली. अगर अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करें तो इसका क्योर है, एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन रिक्वायर्ड डोजेस इन द चाइल्ड. और इसी से कुछ मिलता जुलता डिसऑर्डर है जो कि एडल्ट्स में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्सोएडेमा. उसका मैं एक सेपरेट वीडियो स्टूडेंट्स बनाऊंगी. दोनों ही जो डिसऑर्डर्स हैं वो हाइपोथायरायडिज्म की कंडीशन से हैं, और फिर लेटर ऑन हम लोग हाइपर थायरायडिज्म को डिस्कस करेंगे. So this is all about today's lecture. Thank you.